मॉडर्न हिस्ट्री अग्नि भारत एस के पांडे किताब से ये सारा क्वेश्चन जो लिया गया है और भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक ही है। और डेली हम 10 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं, पर इसमें जो आज जो 15 क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है मराठा राज्य तथा संघ से ये क्वेश्चन है और इसमें जो 90 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, तो हम 15 और 20 करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो 90 क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए इस वीडियो में जो आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा और ये जो मराठा राज्य तथा संघ से क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये आज जो पार्ट 1 है मराठा राज्य तथा संघ से, और ये हम मोटिवेशन लाने के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीतने की इच्छा सभी में होती है, जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत कम ही लोग करते हैं। और ये हम देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा अध्याय हो चुका है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जो है 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, मुगल साम्राज्य से जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, और नवीन राज्यों के उत्थान से जो 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और ये जो मराठा राज्य से जो है आपका जो है 90 क्वेश्चन मोस्ट करवाना है, ठीक है। आज पहला पार्ट है, तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है मराठों में किसका साम्राज्य जो सबसे बड़ा था, आपको बताना है मराठों में जो है किसका साम्राज्य जो सबसे बड़ा था। तो इसका राइट आंसर आपको आता है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। बालाजी बाजीराव का जो साम्राज्य जो था सबसे बड़ा था, ठीक है। और ये हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है इस मुगल सुबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था, आपको बताना है मुगल ये जो सुबेदार था और दक्षिण में जो शिवाजी को पराजित किया था तो उसका नाम आपको बताना वे कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, राजा जयसिंह ने जो है शिवाजी को जो पराजित किया था, ठीक है। और ये मुगल क्या था, मुगल सुबेदार था ये राजा जयसिंह। और ये हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया है, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था, तो आपको बताना है शिवाजी के दमन के लिए जो औरंगजेब ने जो किसको भेजा था। तो इसे राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने जो सांस्था खा को भेजा था, यानी बी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया है शिवाजी का राज्यरोहण कब हुआ था, आपको बताना है शिवाजी का जो राज्यरोहण कब हुआ था। इसका राइट आंसर जो है 1674 ईस्वी में जो है शिवाजी का क्या हुआ था, राज्यरोहण हुआ था, ठीक है। और ये हम फाइव क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइव क्वेश्चन आपका दिया है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको बताना है शिवाजी का उत्तराधिकारी जो कौन था। इसका राइट आंसर आपको क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका संभाजी हो जाएगा। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, संभाजी था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया सिक्स क्वेश्चन, किस संधि से छात्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया, तो आपको बताना है किस संधि से जो छात्रपति ने जो पेशवा को जो पूर्ण अधिकार दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा संगोला की संधि में जो हुआ था, तो छात्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार किस संधि में दिया था, संगोला की संधि में जो दिया था। और ये हम देख लेते हैं आपका सातवां क्वेश्चन, मराठा शक्ति के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो आपको बताना मराठा शक्ति के लिए जो है कौन सा कारण जो उत्तरदायी नहीं था, यहाँ पर क्या पूछा गया नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका जो डी हो जाएगा, विदेशी शक्तियों का आगमन, तो ये जो था ये जो क्या था नहीं था, ठीक है। मराठा शक्ति के उत्थान के लिए कौन सा कारण जो उत्तरदायी नहीं था, तो विदेशी शक्तियों का आगमन जो नहीं था, ठीक है। कौन कौन था वो भी हम देख लेते हैं, तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति था, शिवाजी की सैनिक कुशलता भी था, धार्मिक कारण भी था, ठीक है। और अठवां क्वेश्चन हम देखते हैं, तो दिया पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ था, आपको बताना है पानीपत के तृतीय युद्ध में जो किस शक्ति का उदय हुआ था। तो ये राइट आंसर क्या क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका जो अंग्रेजों की, तो सी आंसर आपका क्या है राइट हो जाएगा। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है अंग्रेजों की शक्ति का जो उदय हुआ था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन आपका दिया है शिवाजी का ये जो प्रशासन था, तो आपको बताना है शिवाजी का प्रशासन जो कैसा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर आपका क्या है राइट है, निरंकुश राजतंत्र था। तो शिवाजी का शासन जो है निरंकुश राजतंत्र था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दसवां क्वेश्चन दिया है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई, तो प्रथम ये जो आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति जो हुई थी, तो ये जो है किस संधि से जो हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर आपका क्या राइट है, तो ये जो सालाबाई की संधि से जो है ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो समाप्ति होती है, ठीक है, सालाबाई की संधि से ये। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है ये ग्यारहवां क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये जो ग्यारहवां क्वेश्चन आपका दिया शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहां हुआ था, तो आपको बताना शिवाजी की मृत्यु और राज्याभिषेक जो कहां पर हुआ था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो शिवाजी की मृत्यु और राज्याभिषेक जो रायगढ़ में हुआ था, ये आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम बारहवां क्वेश्चन देखते हैं, बारहवां क्वेश्चन आपका दिया चौथ क्या है, आपको बताना है चौथ क्या है, तो इसका राइट आंसर ए आंसर आपका जो राइट हो जाएगा मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था, तो चौथ क्या था मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था। और ये हम जो है तेरहवां क्वेश्चन देख लेते हैं, भोसले कहां के शासक थे, तो भोसले जो थे ये कहां के शासक थे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भोसले जो थे नागपुर के जो शासक थे, तो इसका राइट आंसर जो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका चौदहवां क्वेश्चन दिया है बरगीर कौन थे, तो बरगीर जो कौन थे आपको बताना कि बरगीर जो कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका जो मराठा घुड़सवार थे, तो बरगीर कौन थे मराठा घुड़सवार थे, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और ये हम जो 15वां क्वेश्चन देखते हैं आपका दिया है 15वां क्वेश्चन मराठा राजाओं ने, तो मराठा राजाओं ने जो है आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, हमेशा आपस में लड़ाई की है, तो मराठा राजाओं ने क्या है क्या किया है आपस में जो हमेशा जो लड़ाई ही किए हैं, ठीक है। तो आपका जो 15 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप कमेंट में जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।